हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे अक्षय कुमार की मूवी सूर्यवंशी को, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूर्यवंशी ये मूवी आज ही थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को रोहित शेट्टी की मूवीज़ देखना पसंद आती हैं या फिर आप लोगों को मास मसाला मूवीज़ देखना पसंद आती हैं तो शायद आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ इस मूवी का ट्रेलर मत देखना। चलो इस मूवी पर आते हैं। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी है मुंबई पुलिस के ATS स्क्वाड के पुलिस ऑफिसर सूर्यवंशी की, जिसे मुंबई पर होने वाले एक बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना है। तो क्या सूर्यवंशी ये कर पाता है या नहीं, और इन सारी चीज़ों में उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक ही है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि सूर्यवंशी किस तरह का पुलिस ऑफिसर है और वो अपने काम के प्रति कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो सब इतना अच्छा तो है ही कि हमारे स्टार्टिंग से उसके कैरेक्टर के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। और फिर जिस तरह से एक मिस्ट्री बिल्डअप होने स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि मुंबई पर कितना बड़ा अटैक होने वाला है, वो सब भी इतना अच्छा तो है ही कि हम इस मूवी के साथ जुड़े रहते हैं और बोर नहीं होते हैं। लेकिन फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि उसके आसपास की सिचुएशंस किस तरह से चल रही हैं, वो मुझे काफ़ी रूटीन लगा। और फिर जिस तरह से मूवी अपने क्लाइमैक्स तक जाती है ना, वो सब काफ़ी रूटीन वे में लिखा गया है, जिसके कारण जब इस मूवी में कुछ मेजर होता है तो हम पे उस तरह का इंपैक्ट नहीं छोड़ पाता जिस तरह का उसे छोड़ना चाहिए था। ऑल्दो हम बोर कहीं भी नहीं होते हैं और जो कुछ भी स्क्रीन पे चल रहा होता है वो हम इंजॉय करते हैं, लेकिन हाँ, कोई भी ट्विस्ट हम पे इंपैक्ट नहीं डाल पाता है। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, तो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स को मैंने इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करा है। और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो भी इतना अच्छा तो है ही कि हमारा सूर्यवंशी और जो बाकी के मेन कैरेक्टर्स हैं उन सबके साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। लेकिन अगर हम इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखते वक्त अपना पूरा दिमाग लगाया तो इस मूवी में आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिस पे यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा है, बट चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम काफ़ी पसंद आया है। और हाँ, यहाँ इस मूवी का म्यूजिक की बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस मूवी का म्यूजिक मुझे बस ठीक ठाक ही लगा है। कुछ गाने अच्छे लग रहे थे तो कुछ गानों ने मुझे इस मूवी के साथ डिस्कनेक्टेड फील कराया। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस मूवी का अच्छा है, क्योंकि ये एक टिपिकल रोहित शेट्टी की मूवी है, जिसका मतलब आपको इस मूवी में वो सारे एलिमेंट देखने को मिलेंगे जो आपको रोहित शेट्टी की फिल्म से उम्मीद रहती हैं। और जो एडिटिंग है वो मेरे ख्याल से थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए थी। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को रोहित शेट्टी की मूवीज़ देखना पसंद आती हैं या फिर आप लोग मास मसाला मूवीज़ के फैन हो तो आपको ये मूवी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो भी आप इस मूवी को देख सकते हो, आप बोर तो कहीं भी नहीं होंगे, इसीलिए मेरी तरफ से तो ये मूवी पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।